हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज का ये वाला वीडियो, ये वाला व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आप देख ही पा रहे हैं कि मैं किचन में हूँ और किचन का जो काम है वो मुझे सुबह सुबह थोड़ा जल्दबाजी में ही कंप्लीट करना होता है। जैसा कि हम लोग सुबह उठे हैं 5:30-6 बजे और अभी 6:30-7:15 बज रहे हैं। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे गए थे और उससे वहाँ से आके फिर गर्म पानी पी लिए एंड देन मेरा काम जो है स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आटा लगाऊंगी, तो इसके लिए आटा ले रही हूँ। तो इसमें मैं एक दो चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब भी आटा गूंथती हूँ, मतलब लगाती हूँ ना, तो इसमें मैं 2 तरीके या 3 तरीके के आटा मिलाने की कोशिश करती हूँ। पर हालाँकि मैं आज नहीं वो दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अभी अभी घर से आए हुए हैं, तो मेरे पास कुछ सामान है, क्योंकि कुछ मैं ख़त्म करके गई थी तो वो ख़राब हो जाता, कभी कभी कीड़े लग जाते, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें सही था तो उसी से मैं बना ले रही हूँ। थोड़ा बहुत आटा मेरे पास था। मैदा मैं हर वक्त यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता है। तभी ये देखिए नॉर्मल आटा है और मैं आशीर्वाद आटा ही यूज़ करती हूँ, और जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तब अगर कम क्वान्टिटी में कुछ लाना होता है तो लूज़ आटा कभी कभी ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक। आप चाहे तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं, बहुत जना चीनी मिलाते हैं, बेसन का आटा मिलाते हैं, पर मैं आज कुछ और नहीं मिला रही हूँ, ये सिंपल सा आटा मैं लगा लूँगी। आप लोगों के साथ कुछ मेमोरीज मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि रोटी मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती है और मेरे जो सासू माँ है ना वो भी अच्छा बनाती हैं। मेरी रोटी हाँ अच्छी बन जाती है, कभी कभी अच्छी बन जाती है, कभी कभी थोड़ा सख्त रह जाते हैं, पता नहीं क्यों, हो सकता है वो पानी की वजह से हो सकता है, कभी कभी वो आटा के भी वजह से होता है कि अगर कोई अलग आटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितना पानी जाएगा, उसका क्वांटिटी जो होता है ना, रेशियो, उसमें कभी गड़बड़ हो जाता है, तो उसके चलते वो हो सकता है। तो मैं ये थोड़ा धीरे धीरे ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे करना ही पसंद है, बहुत फास्ट मैं नहीं कर सकती। और ये देखिए, ये तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ वीडियो को, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आई थिंक वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाला काम जो है ये पहले ही मैं करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये लगा के मैं रख देती हूँ तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट खुद ब खुद हो जाता है, तो वो अच्छा होता है। और ये देखिए मलाई, ये ना मैं कल दूध से निकाली हूँ, दूध से बहुत सारा मलाई ऐसे निकल जाता है। हालांकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो ये क्योंकि विंटर का टाइम है तो ये मलाई 1-2 दिन ऐसे ही रह जाएगा, अगर किसी चीज़ से आप ढक के रख दो ना, अगर फ्रिज आपके पास नहीं है तो, और नहीं तो फ्रिज में अभी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, इसके साथ बनेगा राजमा, और आज राजमा चावल बनाने का मन है। ये राजमा मेरे मुँह से छूट जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसको मैं ना पूरा एकदम बॉईल नहीं करती हूँ, मसाला पकाने के बाद उसमें राजमा डाल के ना फिर मैं 1-2 और सीटी लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मसाले का टेस्ट जो है वो अच्छे से आता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऑयल कम दे के बनाती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, मसाला थोड़ा कच्चापन रह जाता है अगर वो अच्छे से बॉयल नहीं होता है तो। और ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा, धूप हल्का हल्का सा आ रहा है, क्योंकि अभी मतलब एकदम से सुबह नहीं हुआ है ना इसलिए। तो ये है राजमा और ये है मेरा राजमा का मसाला। और इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ एक बार बता दे रही हूँ आप लोगों को। एक टमाटर, आधा प्याज मैं कट करके डाली हूँ, और 2 मिर्चा, थोड़ा सा 1-2 कलियाँ लहसुन के, थोड़ा सा अदरक, बस इतना ही। और इसमें गया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। आप चाहे तो गरम मसाला पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने सीटी पे चढ़ा दिया है। अभी मैं बना रही हूँ एक सब्जी, मिक्स सब्जी भी आप बोल सकते हैं, साग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर साग का क्वांटिटी सब्जी में कम है तो वो मिक्स वेज टाइप का लगता है खाने में, और अगर सब्जी में साग थोड़ा ज़्यादा है तो वो साग का सब्जी हो जाता है। जैसे पालक साग मैं आज डालूंगी सब्जी के साथ, वो बना लेना है मुझे। थोड़ा सा पालक मेरा बचा हुआ था, वो सूख रहा था, तो मुझे लगा कि वो बना लेती हूँ। तो उसमें मैं ज़्यादा करके गाजर और आलू में डाल दूँगी, तो सब्जी थोड़ा सा मतलब लगेगा खाने में, अच्छा लगेगा। और उसमें मैं प्याज भी डालूंगी। हाँ, जिस दिन मैं वेज बनाती हूँ ना उस दिन मैं प्याज नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डाल के बनाती हूँ, 5 फ़ोरन या फिर 0 फ़ोरन डाल के,
पर जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं मैं और दूसरे सब्जी में प्याज डाल रही हूँ या फिर नॉनवेज खा रही हूँ ना, उस दिन मैं सब्जी में भी प्याज डाल देती हूँ, तो उसका एक अलग थोड़ा सा टेस्ट आता है ना, अच्छा लगता है कभी कभी थोड़ा चेंजेस स्वाद में, वो अच्छा ही लगता है। और ये देखिए ये नया आलू है तो ये थोड़ा सख्त होता है, तो मैंने छोटा छोटा पीस किया है। और सब्जी में ना आलू को बॉईल कर लेने से उसका टेस्ट एकदम अच्छा नहीं होता है, तो उसको मैं ऐसे ही खड़ा ही डाल देती हूँ, तो उसका एक अलग टेस्ट भी आता है। तो अभी देखिए मैं सब्जी जो है अच्छे से धो रही हूँ, अभी धोने के बाद प्याज कट करके सब्जी को मैं चढ़ा दूँगी। प्याज को भी छोटा छोटा जितना हो सके कट करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, प्याज जो है बहुत स्लाइस ज़रूरत नहीं पड़ता है, थोड़ा बड़ा बड़ा हो ना, कच्चा टाइप का वो मुंह में आता है, वो अच्छा लगता है खाने में, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही रख दे रही हूँ, एकदम पतला नहीं पीस कर रही हूँ। तो अभी सब्जी को मैं फ्राई के लिए दे दूँगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल, जितना थोड़ा डालना पॉसिबल हो उतना ही थोड़ा। और इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा फ़ोरन, क्योंकि प्याज डाल रही हूँ तो पाँच फ़ोरन नहीं डालूंगी, ज़ीरा मैं फ़ोरन के लिए डाल रही हूँ, खड़ा ज़ीरा। और अभी सब्ज़ी डाल के उसको मैंने नमक डाल के ढक दिया है। अभी ये पालक जो है इसको मैं चुन के दो से तीन बारी धो के मैं रख दी थी, और अभी मैं कट करने के बाद भी एक से दो बार धो लूँगी, देन मैं उसको जो है सब्ज़ी में डाल दूँगी। और साग जो है ना, बहुत जना उसको एकदम छोटे छोटे पतला पतला पीसेस में कट करते हैं, पर पालक साग को इतना कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये देखिए सब्जी थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है, पर अभी मैं साग डाल दूंगी तो पानी छोड़ेगा ना, तो और नीचे नहीं लगेगा। अलग से पानी साग में मैं पहले ही नहीं डालती हूँ, तो उसका टेस्ट एकदम बिगड़ जाता है, तो साग से ही जितना पानी छोड़ेगा ना उससे ही वो अच्छे से पक जाएगा। पर इसमें नमक होना ज़रूरी है, आप नमक डाल दीजिए, पर एकदम जलाना भी नहीं है। अगर देख रहे हैं कि नीचे से सूख रहा है ना, तो थोड़ा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ अभी, पर रोटी बनाने में जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, पर ठीक है, मतलब काम चलाओ टाइप का मैं कर लेती हूँ, पर कभी कभी अच्छा भी बन जाता है, ऐसा नहीं कि हर वक्त ऐसा, पर कभी कभी छोटा बड़ा इस तरीके से मेरे से हो जाता है, तो ओके मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी खाना भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है, हर वक्त चावल भी सही नहीं है। और हम लोग रोटी जो है ले लेते हैं, रात को भी रोटी लेते हैं कभी कभी, ठंड के मौसम में तो वो ज़्यादा ही होता है रोटी लेना। और ये देखिए ये मेरा राजमा, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैं टिफ़िन पैक कर दी हूँ ना, तो जितना बचा है उतना ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरा दोपहर का लंच, हाँ थोड़ा सा चावल, राजमा, रोटी और सब्ज़ी। ये देखिए ये मैं ना बैठ बैठ के देख रही थी, मैं धूप में थोड़ी सी बैठी हुई हूँ अभी, तो मैं इसको देख रही थी, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर करूँ ये कैसा कैसा कर रहा है बैठ बैठ के। और मैं ये चादर डाली थी धूप में, मतलब धो के फिर उसके पास जाके भी ऐसा कर रहा था। तो चलिए बहुत सारा बातें हो गया सुबह का, अभी हम रात में पहुँच गए हैं। ये है मेरा डिनर, इसमें पपाया, आलू और थोड़ा सा ब्रोकली सब मिला के एक सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, मिलती है और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।